सो आज हम पढ़ेंगे अध्याय एक, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पदार्थ क्या होते हैं। तो जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं उन्हीं सभी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उनसे नाम पदार्थ दिया। प्रत्येक वस्तु जो कि अलग अलग सामग्रियों से बनी होती हैं, जैसे हम देखें हमारे आसपास अगर चौक है तो चौक छोटे छोटे कणों से बनी है, तो वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। वो कण क्या हैं? हमारे पदार्थ हैं, ठीक है। अब इन पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। सबसे पहले हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखेंगे। क्या देखेंगे? पदार्थ के भौतिक स्वरूप को हम देखेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि पदार्थ जो है वो अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग कणों से क्या है? मिलकर बना है। जैसे कि हम देखें कि एक बीकर में अगर हम पानी लेते हैं और उसमें एक निशान लगाते हैं, ठीक है। उस निशान को लगाने के बाद उसमें या तो हम नमक डालें या शक्कर डालें। अब इनको घोलने के बाद जब हम देखते हैं कि जल का स्तर बदल गया है, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो कण हैं जो हमने मिलाए हैं, ठीक है, कणों को मिलाया है, तो इससे क्या हुआ? उनके स्तर में चेंजेस आए। तो ये क्रियाकलाप हमें क्या बताता है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे कणों से मिलकर बनी हुई हैं और उनका एक उचित स्थान होता है। अब हम ये भी देख सकते हैं जो दूसरा है कि ये जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जो ये कण हैं वो कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हमने एक गिलास पानी लिया है, उसमें अगर दो बूंद हमने किसकी डाली हैं? किसी भी कलर की डाली हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? लगातार उतना ही पानी एक गिलास में लेते जाएंगे और उस कलर का जो बॉटल है उसमें से थोड़ा सा हम दूसरे इसमें डालेंगे, उस पानी में जो घुली हुई है उसको। तो हम देखेंगे कि हम जब तक उसमें बहुत सारे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग गिलास में उसको हम डालते जाएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या होगा? उसका जो कलर है वो और लाइट होता जाएगा और लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब उसका एकदम लाइट कलर छोड़ेगा वो। तो हम इस ये जो हमने काम किया है, ये अपने क्रियाकलाप करा है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। अब अगला ये है कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है, रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे कि कोई दो चीज़ें एक साथ हम रखते हैं तो उनके बीच में जगह होती है, उसी प्रकार जो ये पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से एकदम सटके भी लगे होते हैं तो भी उनमें क्या होता है? एक थोड़ी सी जगह, एक स्पेस पाया जाता है। साथ में ये जो कण हैं ये कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील, मतलब हमेशा क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि अगर हम कहीं पे अगरबत्ती लगाते हैं या कोई डियो लगाता है तो उसकी जो सुगंध है वो हमें बहुत दूर तक भी आती है, ठीक है, और उस व्यक्ति के जाने के कुछ वक्त तक भी आती रहती है। तो ये किस लिए हो रही? क्योंकि उसके जो कण थे वो हमेशा आसपास गति करते रहे, जिस वजह से हम उसकी खुशबू को सूंघ पा रहे हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, उसमें बोला गया है कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो कण हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें कि अगर हम एक लोहे की कील लें, ठीक है, और अगर उस लोहे की कील को लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और एक रबर बैंड लेते हैं, ठीक है। अब इन सब पर क्या करेंगे? हथौड़ा मारेंगे, ठीक है, अब सब में करके देखेंगे, ठीक है। पहले तो उसको खींच कर काट तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको काट के तोड़ने की कोशिश करेंगे और हथौड़ा मार के करने की। इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ जो होंगे वो फटाफट से अलग अलग हो गए होंगे, कुछ में देखेंगे तो उसमें थोड़ा कम वक्त और किसी में सबसे ज़्यादा वक्त लगा होगा।
तो जिस कणों में ज़्यादा वक्त लगता है उसमें उनका बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी टूटते नहीं हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या देखेंगे हम? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, जैसे आपको पता है। पहली कौन सी है? ठोस, ठीक है। दूसरी कौन सी है हमारी? द्रव। और तीसरी क्या है हमारी? गैस। तो इस प्रकार तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठोस अवस्था, जैसे कि हम देखें कि जहाँ पर क्या होता है, ठोस अवस्था वह होती है जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसका एक आकार निश्चित होता है, उसकी सीमाएं होती है, उसमें आयतन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी है? ठोस की है। वहीं हम अगर देखें द्रव की, तो वो कैसा होता है? आराम से जिस बर्तन में रखते हैं उसके जैसा उसका आकार हो जाता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे? द्रव जो हैं वो बहेंगे, उनमें भाव होता है, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं वो दृढ़ नहीं है। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं गैसीय। गैसीय में हम क्या देखते हैं कि गैस का ना आकार एक जैसा है ना आयतन है, दोनों ही स्पष्ट नहीं होता है। ये क्या करती हैं? इन्हें हम बहुत छोटे बर्तन में भी उसको हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। पर कैसे रखेंगे? उसकी संपीड़िता के कारण उसको हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे हम LPG गैस का देखते हैं सिलेंडर, उसमें बहुत सारी गैस होती है जिसको कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखी कि कितनी पदार्थ की अवस्थाएँ हैं? तीन अवस्थाएँ हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब जो ठोस के पदार्थ होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, उनमें बिल्कुल भी आसपास जगह नहीं होती है, ठीक है। वहीं हम द्रव के देखें तो ये क्या होते हैं? थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें जगह होती है। वहीं अगर गैस को देखें तो उनमें जो पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा ही दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं गैस के, द्रव के उससे कम, और सबसे कम होते हैं ठोस के। अब बात आती है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? तो हाँ, वो बदल सकता है। तापमान परिवर्तन की वजह से भी क्या होता है? इनमें इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब ऐसा तापमान जिस पर क्या हो, ठोस पिघल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक मीन्स गलना। ऐसा तापमान जिस पर ठोस जो है वो पिघल कर द्रव बन जाए, उसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन, ठीक है। अब हम अगली चीज़ पे जाते हैं कि जब दाब में परिवर्तन आता है, ठीक है, दाब में परिवर्तन की वजह से भी, दाब में परिवर्तन की वजह से भी क्या होता है? हम देख सकते हैं कि एक जो पदार्थ है वो अपने आप को बदल लेता है, ठीक है। दाब बढ़ाने से, जब गैस होती है उस पर अगर हम दाब एक कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो जब ठोस को हम ऊष्मा देंगे तो वो काय में बदलेगा? द्रव अवस्था में बदलेगा। काय में बदलेगा? द्रव अवस्था में। जो हमारा ठोस है जब उसको हमने बहुत ऊष्मा दी, ठीक है, तो वो काय में बदल गया? द्रव अवस्था में। वैसे ही जब हमने द्रव को और ज़्यादा ऊष्मा दी तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही अगर हमने गैस को क्या करा, फ्रीज़र में रख दिया, फ्रीज़ कर दिया, तो वो क्या बदलेगा? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में और उसको फ्रीज़ भी किया तो वो बदल जाता है ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से ऊष्मा की वजह से क्या हुआ? अवस्थाएं इनकी चेंज हुई। अब हम दाब की वजह से और एक देखते हैं कि अंतर रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो जब हमारा ठोस जो है वो अगर काय में बदल जाए, द्रव में,
किस में बदल जाए, द्रव में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। वहीं जब द्रव हमारा ठोस में बदल जाए तो उसे हम कहते हैं जमना। अगला हमने देखा है कि जो द्रव है वो बदल जा रहा है अगर किस में, गैसीय में, तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। वहीं अगर गैस वापस से द्रव में बदलता है तो उसे कहते हैं हम संघनन। वैसे ही अगर हम देखें कि जो ठोस है वो डायरेक्ट किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, जो ठोस है वो डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और वहीं गैस अगर वापस ठोस में बदल जा रही है तो उसे बोलते हैं हम निक्षेपण। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ वो है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, तो वाष्पीकरण में जब द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण किस प्रकार से होता है, तो जब हम पानी को बहुत ज़्यादा सतह देंगे और क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तब क्या होगा, वाष्पीकरण की दर हमेशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब गर्मियों में सूती कपड़े जो रहते हैं वो हम पहनते हैं तब क्या होता है, हमें ठंडक लगती है क्योंकि हमारे शरीर पे जो पसीने की बूंदें होती है वो वाष्पीकरण की वजह से क्या होती है, उड़ जाती है और हमें क्या पहुंचाती है, शीतलता पहुंचाती है। ठीक है, जैसे हम अगर किसी ग्लास में बर्फ़ रख देते हैं तो उसकी बाहरी जो सतह है उस पर क्या आ जाते हैं, बूंदें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बूंदें हैं वो किस वजह से है, तो जो आसपास की जल वाष्प है वो क्या हो गई है, बूंद बनकर उस ग्लास के ऊपर हमें नज़र आती है और वो काय में बदल जाती है, द्रव से वो वापस गैस से वापस द्रव अवस्था में बदल जाती है इसलिए। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम अगले वीडियो में बंद करेंगे इसके प्रश्न उत्तर।